बाजी रखे इनका घूरे दिल्ली जावा लगे ना जाए। सो गैस एक्टिवा 125 BSC इसका मॉडल है, तो आप लोग देख सकते हैं एक्सेलेटर केवल इस तरह से फट जाता है और मूवमेंट नहीं करता है। तो इधर में कंपनी वालों ने इधर में दो केबल ऐड कर दिया है इसमें, तो एक केबल अगर आपका जाम हो जाता है तो दूसरे भी जाम हो जाएगा और आपका जो एक्सेलेटर है वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो इस तरह से दो केबल दे दिया है, एक केबल देने से भी हो जाते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ बिना केबल चेंज करके इसको कैसे ठीक करें। तो ठीक है, तो ज़्यादा किलोमीटर नहीं चला है ये गाड़ी, 5000 किलोमीटर चला हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको सीट को ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको कैसे ठीक करें बिना केबल चेंज करके। ठीक है, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे। मौसम तो गैस केबल अगर आप लोगों का भी जाम हो जाता है तो आपका गाड़ी अपने आप भाग जाएगा स्टार्ट देने के साथ ही साथ। अगर हैंडल को घुमा देगा तो आपका गाड़ी और ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, मतलब गाड़ी अपने आप चलता रहेगा, मतलब भाग जाएगा। तो ऐसे सीजन में आपका थोड़ा एक्सीडेंट होने का भी चांसेस रहता है और आपका गाड़ी का माइलेज भी कम देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो ये स्क्रू जो देख रहा है स्क्रू को पहले खोलना होगा इसको, उसके बाद जो काला वाला कवर है उसको भी हमको निकालना होगा। सो गैस अगर आप लोग भी मैकेनिक हो तो इस केबल को बिना चेंज करके इसको कैसे ठीक करें, आप लोगों को भी काफी सारा हेल्प होगा इस वीडियो देख के। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कौन सा केबल जाम है, तो एक नंबर केबल या दो नंबर केबल। तो आप लोग देख सकते हैं एक नंबर केबल ठीक है, तो दो नंबर केबल ज़्यादा जाम है, तो इसलिए हमको क्या करना होगा आपको दिखा रहा है। तो गैस इस तरह से एक आपको स्क्रू ड्राइवर लेना होगा, स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको इसको ठीक करना होगा। तो इधर में देख रहे हैं एक होल्ड है, तो इसका अंदर में आपको अच्छे तरीके से डालना होगा, तो कहीं पे भी ना लगे। तो आप लोग को ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा, कोई सेंसर वेंसर में अगर ना लगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको डालना होगा, डाल के आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको अपने तरफ खींचना होगा इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा खींचना होगा, ज़्यादा नहीं, बस बस हो गया। तो गैस देख रहे हैं दो ही मिनट में हम इसका जो एक्सेलेटर केबल है उसको सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया। और आप लोग देख सकते हैं एक्टिवा 125 नया गाड़ी है, एक्टिवा 125 BS6, ठीक है। वो कस्टमर ने ज़्यादा खुशी हो चुका है, जो उसका पैसा भी खर्चा नहीं हुआ इसलिए वो ज़्यादा खुशी हो चुका है। और आप लोग देख सकते हैं अगर आपको केबल चेंज करता है तो आपका जो 600 से 700 रुपया चला जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितना आराम से हो चुका है और पूरा मूवमेंट भी कर रहे हैं अभी। सो गैस इस वीडियो देख के आपका थोड़ा सा भी जानकारी हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।